वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। देन आज की वीडियो के थ्रू हम उन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे जो कि रियलमी फी टू यूजर्स के द्वारा पुटअप किए जाते हैं। देन फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे रियलमी फी टू एंड्रॉइड 10 अपडेट डेट। देन फ्रेंड्स एज यू मे नो, जैसा कि आपको पता होगा कल के वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया था भाई मे बी आज रियलमी UI का अपडेट रियलमी फी टू के डिवाइस में प्रोवाइड हो सकता है जिसका वर्जन 3.47 रहेगा एंड 5 2.10 GB एंड साथ ही साथ ये अपडेट 2500 कोटाज के साथ में प्रोवाइड किया जा सकता है रियलमी फी टू के डिवाइस में। बट ये अपडेट देखने को नहीं मिला तो दोस्तों यहाँ पे कोई कन्फर्म या फिर एग्जैक्ट डेट प्रोवाइड नहीं किया जाता है रियलमी की तरफ। यहाँ पे मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बताया था वो आज भी हो सकता है क्योंकि भाई यहाँ पे रियलमी की तरफ जो भी रियलमी UI आई मीन एंड्रॉइड 10 का अपडेट प्रोवाइड किया जाता है या फिर किया जा रहा है तो दोस्तों यहाँ पे विदिन 1 week का गैप देखने को मिला है जब भी रियलमी UI का अपडेट प्रोवाइड किया गया है रियलमी फी टू के डिवाइस में। देन फाइनली उसी के आधार पे मैंने आपको बताया था कल रियलमी UI का अपडेट प्रोवाइड हो सकता है एंड वो डेट आज भी हो सकता है क्योंकि दोस्तों रियलमी की तरफ कोई भी एग्जैक्ट या फिर करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाती कि हम आज या फिर इस तारीख को इस अपडेट को प्रोवाइड करने वाले हैं इस डिवाइस में। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट टाइम वगैरह सब कुछ बताया था बट यहाँ पे वर्जन साइज एंड कोटाज वगैरह ये सब एकदम एक्यूरेट हैं। यहाँ पे डेट वगैरह चेंज हो सकता है बट आपको वर्जन 3.47 ही मिलेगा 5 2.10 GB एंड ये अपडेट आपको 2500 कोटाज के साथ में प्रोवाइड किया जा सकता है क्योंकि दोस्तों जब भी अपडेट प्रोवाइड किया गया यहाँ पे 500 कोटाज को इंक्रीज किया गया तो पिछली बार ये अपडेट 2000 कोटाज के साथ में प्रोवाइड किया गया था रियलमी फी टू के डिवाइस में। एंड वहीं पे बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाई रियलमी फी टू के डिवाइस में 3.49 का अपडेट हमें क्यों देखने को नहीं मिला, आई मीन अक्टूबर सिक्योरिटी पैच का अपडेट देखने को क्यों नहीं मिला एंड ये कब तक देखने को मिलेगा एंड अक्टूबर सिक्योरिटी पैच का अपडेट ही आएगा या फिर हमें कौन सा अपडेट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 3.49 का अपडेट आपको एंड ऑफ नवंबर में देखने को मिलेगा जिसमें आपको नवंबर 2020 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच प्रोवाइड किया जाएगा। ये अपडेट आपको अक्टूबर में क्यों देखने को नहीं मिला, इसका कारण ये है रियलमी फी टू का जो डिवाइस है इसको लॉन्च हुआ आई मीन इसका जो लॉन्च डेट था उस डेट से ये फोन 1 year क्राफ्ट कर चुका है, आई मीन ये फोन 1 साल पुराना हो चुका है इसीलिए इसमें आपको 3.49 का अपडेट नहीं मिला। 1 साल से पुराने फोन को बाई मंथली अपडेट प्रोवाइड किए जाते हैं एंड 2 साल पुराने फोन को यहाँ पे हर तीसरे मंथ में अपडेट को प्रोवाइड किया जाता है ColorOS की तरफ से। जो फोन ColorOS पे रन कर रहे हैं चाहे ओप्पो का डिवाइस हो या फिर Realme का, इनमें सभी डिवाइसों में आपको 3 month में अपडेट देखने को मिलेंगे अगर वो फोन 2 साल से पुराना हो गया तो। मतलब ये तो कंपलसरी है भाई आपको 3 महीने बाद एक अपडेट मिलने का, बट यहाँ पे जो फोन 1 साल तक रहते हैं उनमें कंटिन्यूसली अपडेट प्रोवाइड किए जाते हैं एंड 1 साल ओवर हो जाते हैं जिसमें बाई मंथली अपडेट प्रोवाइड किया जाता है Realme के तरफ से। एंड वहीं पे बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाई ये हमें OTA के थ्रू कब तक प्राप्त होगा क्योंकि अभी जो अपडेट मिल रहे हैं वो ट्रायल वर्जन में मिल रहे हैं 3.47 आप समझ सकते हैं। तो ये अपडेट आपको भैया जी नवंबर में ही देखने को मिलेंगे जिसमें आपको 3.49 का अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा एंड उसमें लगभग काफी सारे बग वगैरह को फिक्स किया जाएगा। एंड साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन है कि भाई हमारे डिवाइस पे एक फुली फ्री आप बग फोन कब होगा, आई मीन हमारे डिवाइस पे जो भी बग वगैरह देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे कब बग फिक्स किए जाएंगे हमारे डिवाइस पे। तो भाई ये अपडेट आपके फोन में प्रोवाइड किया जाएगा मतलब यहाँ पे नवंबर में आपको जो अपडेट मिलेगा उसके बाद भी आपके डिवाइस में बग वगैरह देखने को मिलेंगे। एंड उसके बाद एक चीज़ आप और समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3.49 के बाद आई मीन नवंबर 2020 सिक्योरिटी पैच के बाद आपको यहाँ पे दिसंबर में अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, जनवरी में आपको अपडेट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको नवंबर 2020 के सिक्योरिटी पैच के साथ भी सारे के सारे बग फिक्स नहीं हो पाएंगे, ये आप नोट डाउन करके रख लीजिए क्योंकि यहाँ पे दोस्तों रियलमी 3i का जो डिवाइस है इसमें रियलमी UI 1.0 का जो अपडेट प्रोवाइड किया गया है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमें लगा था Realme फी टू के जैसा क्योंकि आपको पता है Realme फी टू के डिवाइस में Realme UI का अपडेट काफी दिन से प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है Realme, बट यहाँ पे एक सक्सेसफुल तरीके से Realme UI का अपडेट Realme फी टू के डिवाइस में इंस्टॉल नहीं हो पाया। देन फाइनली कुछ ऐसा भी होने वाला है Realme फी टू के साथ में जैसे कि Realme 3i के साथ में हुआ था। एंड फाइनली वहीं पे अगर बात करें आगे की ओर तो भाई आगे का क्वेश्चन है यहाँ पे Realme UI 2.0 के तहत, तो भाई यहाँ पे Realme UI 2.0 का अपडेट ऑफकोर्स इसमें नहीं प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि
की रोड मैप में इसका नेम नहीं है। एंड कुछ जो यहाँ पे बातें हो रही थी कि भाई Realme UI 2.0 विथ Android 10 पे ही आपको अपडेट मिल जाए, तो नो चांस भाई, Android 10 पे आपको Realme UI 2.0 का अपडेट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। Realme Xiaomi नहीं है, Xiaomi ऐसा कुछ करती है बट यहाँ पर Realme ऐसा नहीं करेगी, ऐसा एक ऑफिशियल वीडियो में बताया गया है जो कि माधव फेठ ने खुद ऑफिशियल तरीके से ये बात बताई थी। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन और है भाई, Realme P2 Realme UI All Users Update Date, तो भाई यहाँ पे आप इसे ये भी कह सकते हैं कि भाई OTA अपडेट हमारे डिवाइस में कब आएगा, क्योंकि भाई OTA अपडेट जब स्टार्ट होता है तभी हर एक मतलब सारे के सारे फ़ोन में ये अपडेट अवेलेबल होता है। तो भाई यहाँ पे नवंबर के मंथ के बाद ये अपडेट OTA अपडेट से प्राप्त होना मतलब स्टार्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद अगर वहीं पर बात करें मैनुअल लिंक कब तक प्रोवाइड की जाएगी Realme UI की Realme P2 डिवाइस के लिए, जो कि आप Realme अपडेट वाली साइट से ऑफिशियल तरीके से डाउनलोड करके अपने फ़ोन में मैनुअल तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये अपडेट आपको नवंबर के ही मंथ में देखने को मिलेगा, जो कि लास्ट वीक ऑफ नवंबर मंथ, मतलब यहाँ पे आपको न्यू वर्जन जब डिटेक्ट किया जाएगा आपकी डिवाइस में, जो न्यू वर्जन प्रोवाइड किया जाएगा उसी के बाद आपकी डिवाइस में मैनुअल लिंक भी अवेलेबल करा दी जाएगी आपके डिवाइस के लिए Realme अपडेट वाली साइट पे, जहाँ पे अपने फ़ोन को Realme UI में अपडेट कर सकते हैं मैनुअल तरीके से। एंड इसके रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। एंड मे भी मेरे हिसाब से Realme P2 के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन था मैंने उन सभी क्वेश्चन का आंसर दे दिया। एंड जो भी बग्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं Realme P2 के डिवाइस में, लाइक दैट नोटिफिकेशन पैनल वगैरह, एंड यहाँ पे जो भी बैटरी डैनिंग वाला जो भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही, भाई बैटरी डैनिंग वाली प्रॉब्लम अभी तो फिक्स नहीं हो सकती, इसमें फिक्स होने में थोड़ा सा समय लगेगा, बट नोटिफिकेशन पैनल एंड फोन लैगिंग, एंड उसके बाद जब आप अपना कोई भी ऐप ओपन करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा समय लग जाता है, बग वगैरह देखने को मिलता है। तो भाई ये आपके रैम एंड रोम पे भी निर्भर रहता है एंड आपके फ़ोन के प्रोसेसर पे भी ये डिपेंड रहता है। बट अगर Realme UI का अपडेट इंस्टॉल करने के बाद में अगर आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई Realme UI के नेक्स्ट अपडेट के मतलब लेटेस्ट अपडेट के थ्रू ये सभी बग्स को फिक्स कर दिए जाएंगे Realme की तरफ से। इसके रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। सो फ्रेंड दैट फिट एंड यार बहुत सारा थैंक, वीडियो चलेगी वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स के न्यूज मिलते रहते हैं। एंड एक बात और, अगर आपके माइंड में कोई अदर क्वेश्चन है मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पे मैसेज कर सकते हैं, जहां पे आपको एक अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, बताया जाएगा एंड मे बी सब कुछ आपकी प्रॉब्लम को फिक्स किया जाएगा।